जब अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है ना वो टॉप टू के अंदर होगा, ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ वो चीज है जो किसी और स्टेट में नहीं है। और वो चीज पता है क्या है, मैं आपको खुद बताता हूँ, वो चीज है नेचर। अरुणाचल प्रदेश में 80 लैंग्वेजेस हैं और 80 लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि बाहर वालों को तो छोड़ दो, अरुणाचल के लोकल ट्राइब भी एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। इनके बाद जीरो फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है और आज की डेट में जीरो फेस्टिवल को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। अरुणाचल की वीडियो अभी ना 6 वीक्स के बाद आएगी क्योंकि वाइब सुनेंगे, क्योंकि नेचर ना प्रिजर्व फॉर्मेट में यहां देखने को मिल रहा है और डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, ये सोचा था उससे बढ़ के अनिनी को पाया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर। और सबसे बढ़िया बात मेरे को क्या पता चली कि ये स्टेट में ना 26 मेजर ट्राइब्स हैं। We are here at Jiro of Lower Subansiri district of Arunachal Pradesh. In 5 days, renowned YouTuber Visa to Explore, Harish Bali, he came here from New Delhi and he is exploring Arunachal Pradesh and promoting the tourism of Arunachal Pradesh. He went to Anini of Dibang Valley district of Arunachal Pradesh, Pasighat of East Siang, and now he came to Lower Subansiri district, Jiro. Renowned यूट्यूबर विथ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। तो हमारे साथ हरीश बाली जी हैं, रिनोन यूट्यूबर हैं, इनके चैनल का नाम है वीजा टू एक्सप्लोर, जो पूरी दुनिया की, पूरे इंडिया की ही साथ साथ अब्रॉड की भी अपने अपनी यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, लोग इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं। आज जीरो में, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जीरो, एनिनी गए, पासीघाट गए, पहले तवांग भी आ चुके हैं 2 साल पहले, काफी जगह अरुणाचल को एक्सप्लोर किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को करते हैं, नागालैंड जाते हैं, असम जाते हैं, चेन्नई, साउथ इंडियन स्टेट, नॉर्थ इंडिया, अलग अलग कंट्री भी जाते हैं। हमारे साथ हरीश बाली जी हैं जो हमें बताएंगे कैसा लगा उनको अरुणाचल आके। अरुणाचल टूर में बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअल में इस जर्नी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैंने प्लान किया था मैं केवल रोइंग जाऊंगा, रोइंग से अनिनी जाऊंगा और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन फिर मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि अब मैं यहां तक आ ही चुका हूं तो क्यों ना मैं जीरो चले जाऊं। मेचुका मैं ना फ्यूचर में जाऊंगा क्योंकि मेचुका रास्ता ठीक हो रहा है। मैं बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अनिनी जाकर ना मैंने जो सोचा था उससे बढ़ के अनिनी को पाया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर। और सबसे बढ़िया बात मेरे को क्या पता चली कि ये स्टेट में ना 26 मेजर ट्राइब्स हैं। अब जैसे हम दिल्ली के रहने वाले हैं, सब बातें हमें पहले नहीं पता थी, 26 ट्राइब्स हैं और उनके अंदर सब ट्राइब्स हैं, अगर सबको जोड़ लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 105 होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस से कम अरुणाचल प्रदेश में 80 लैंग्वेजेस हैं और 80 लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि बाहर वालों को तो छोड़ दो, अरुणाचल के लोकल ट्राइब भी एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। तो इससे आप समझ लीजिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर दिस। अब हमारे बड़े रिच एक्सपीरियंस रहे हैं रोइंग के भी, अनिनी के भी, इसके अलावा पासीघाट में तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। पासीघाट में हमने लोकल फूड खाया, लोकल फूड तो वैसे हमने अनिनी में भी खाया, वहां पे हम होमस्टे गए, हमने सबको जाके बोला कि हम नॉनवेज खाते हैं लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वेज है, तो उन्होंने हमें वेज फूड बना के खिलाया। और ये मैं कह सकता हूं कि 20% फूड रिपीट था, 80% न्यू था, विच मीन्स ब्रेकफास्ट में आज जो हमने खाया वो कल हमने रिपीट नहीं किया, कल कुछ और खाया। इस समय हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जीरो में और हम एक सी लेक विजिट करने आए। कुछ देर पहले मैं पर्सनली विजिट करने गया था एक हिल के ऊपर और वहां से मेरे को पूरा जीरो वैली का व्यू दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी 3 दिन के बाद जीरो फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है और आज की डेट में जीरो फेस्टिवल को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। ZFM बोलते हैं जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, और बहुत फेमस है। और वैसे ही फेस्टिवल तो चलो एक अलग चीज हो गई, इसके अलावा आपातानी ट्राइब जो यहाँ के नेटिव ट्राइब हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई आज मॉर्निंग में। उनका हमने फोक डांस देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कल्चरल, अपने कल्चर के बारे में हमें बताया। तो ऑल इन ऑल ये कह सकते हो आप कि बहुत अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे वेदर भी कूल है। जैसे अभी मैंने हाफ स्लीव की शर्ट पहनी हुई है, शाम का समय मैं अगर फुल स्लीव शर्ट पहनूंगा तो भी ओके है,
और आप क्या जानना चाहते हैं जीरो के बारे में, क्योंकि मैं तो बोलते बोलते आधा घंटा भी बोल सकता हूँ मेरे को। अरुणाचल में कैसा लगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की क्या रैंकिंग? अच्छा, अब स्टेट की बात करते हैं। देखो मैं तो बोलूंगा स्टेट का टूरिज्म की शायद ये रीजन है कि अवेयरनेस लेवल कम है। जैसे अब मेघालय की मार्केटिंग ना बहुत ज्यादा पहले स्टार्ट हो गई थी, वो लोग बोलते थे अब बोर्ड ऑफ क्लाउड्स, तो वो सुन सुनकर ना लोगों को मेघालय कीवर्ड ध्यान में आ गया, कीवर्ड ही बोलूंगा मतलब स्टेट का रिकॉल लेवल बढ़ गया। अब सिक्किम लोग जाते हैं, आसाम तो आते ही हैं क्योंकि वो तो गेटवे है, बट मेरे को लग रहा है कि जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 5 years जब अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है ना वो टॉप 2 के अंदर होगा। ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ वो चीज है जो किसी और स्टेट में नहीं है, और वो चीज पता है क्या है, मैं आपको खुद बताता हूँ, वो चीज है नेचर। अब एक होता है टूरिज्म डेवलप करते हैं और एक होता है भाई नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, इसी के अंदर टूरिज्म बनाएंगे, तो वो चीज मेरे को यहां लगी। यहां जैसे रोड पे चल रहे होते हैं ना, जब मैं अनिनी जा रहा था मैंने देखा वो 230 किलोमीटर का स्ट्रेच था रोइंग से, हमने गाड़ी बीच में रोक लिया आराम से, हम चट्टान पे बैठ गए और आधा घंटा कहां निकल गया, वो नेचर में वो इंसेक्ट की साउंड होती है ना सुनते सुनते, जिससे पता लगता है नेचर की प्योरिटी जहां होती है वहीं वो इंसेक्ट साउंड करता है, और जगह जगह हम क्लाउड्स देख रहे थे, जस्ट छोटा की वाइन का भी मजा लिया आपने। हाँ ये आपको पता चल चुका है कल हमने जीरो की वाइन देखी और मुझे कीवी के बारे में पता लगा, कीवी आज से 15 साल पहले कोई पूछता हुआ था और कीवी आज बड़ा मतलब जितना बाकी सब जगह डिमांड है और यहाँ तो कीवी ग्रो होता है। मीडिया मूवी हुई यहाँ पे शूटिंग के बाद काफी कैसा है पता लोगों ने? मेरे को शूटिंग के बारे में तो किसी ने बताया नहीं ना मुझे पर्सनली पता था, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जगह बड़ी औसम है। अब जैसे कहीं पे भी खड़े हो गए ना व्यूज देखो, जैसे हमारे राइट हैंड साइड पे स्काई क्लाउड्स ये देख के ना किसी का मन करेगा कि बताओ तो सही हमें जगह कौन सी है ये, और ये जगह केवल ये नहीं है कि लेक के किनारे से दिखाई देता है, ये पूरे अरुणाचल प्रदेश में यही सीन है। दुम क्या क्या काटे आपको, क्या 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 काटे? इंपॉर्टेंट है, देखो अभी तो थोड़ा इफेक्ट कम हो गया, इसको ना डामडुम बोलते हैं। अच्छा दुमदुम, ये दुमदुम अभी पाँव में भी दिखा देता हूँ, ये ना कल रात को मैं पूरी रात में सो नहीं पाया ये देखो। अच्छा तो ये काट काट के ना इन्होंने, ये तो अनिनी की बात है, इधर भी 15-20 है, तो ये डामडुम ना ये घोड़े घूमते हैं अनिनी में। अब नेचर प्योर है ना तो ये सब होता है, तो मेरे को अगर ऑटोमास में लगा लेता ठीक रहता, या मैं फुल स्लीव शर्ट पहन लेता तो ठीक रहता, वो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस वजह से हो गया। बट मैंने बताया अपने वीडियो में कि भाई टिप है कि आप फुल स्लीव शर्ट पहन लो तो आपको इश्यू नहीं आएगा। तो टैटू का क्या देखा आपने लेडीज? आज मॉर्निंग में हमने उनका कल्चरल प्रोग्राम देखा, यहाँ पर देखा पियर्सिंग थी और इधर केन का वो पहना होता है, और यहाँ से टैटू था, इधर से चलता चलता टैटू यहाँ तक आता है और उसके बाद यहाँ 5 lines थी। तो हमारे साथ हरीश बाली हैं जो इनके चैनल का नाम है वीजा टू एक्सप्लोर, काफी लोग फॉलो करते हैं, अरुणाचल के लोग भी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एज अ होल और ऑल ओवर इंडिया अलग अलग देशों से भी करते हैं, इनकी वीडियोज आती हैं, प्रॉपर तरीके से वीडियो एडिटिंग करते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से रिलीज की जाती है, अभी एक प्रॉपर तरीके से ये बनाएंगे वीजा टू एक्सप्लोर अपने चैनल में डालेंगे, आप सब सब्सक्राइब करेगा वीजा टू एक्सप्लोर इनका चैनल। और हमारे साथ हरीश बाली जी हैं जो लास्टली हमें बताएंगे, उनके सिर्फ एक पॉइंट में ये बताएंगे कि किस लिए आना चाहिए। आई थिंक सिंगल उसका आंसर है नेचर। नेचर की जो वाइब्स है ना ये अरुणाचल प्रदेश में जो आपको मिलेंगी शायद कहीं और, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन चांसेस कम है कि वो वाइब्स मिलेंगे, क्योंकि नेचर ना प्रिजर्व फॉर्मेट में यहाँ देखने को मिल रहा है और डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है ये इसका बहुत बढ़िया। कैसे आप मार्क करेंगे, हॉस्पिटैलिटी कैसी है, लोगों का नेचर कैसा है, ट्राइबल समाज है यहाँ 100% अलापतनी निशी आदि मोम्पा बहुत ज्यादा समाज, आप तो तवांग भी जा चुके हैं, किस प्रकार आप कहेंगे लोग कैसे हैं यहाँ? लोग बड़े फ्रेंडली हैं, जैसे हम किसी से उनके कल्चर के बारे में पूछते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आधा सवाल का जवाब देंगे, जितना सवाल पूछोगे उतना प्रॉपर जवाब देंगे, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता कि हमारे कल्चर, इनफैक्ट उनको अच्छा लगता है कि हमारे कल्चर के बारे में ये जान रहे हैं तो हम इनको बताएं। इनफैक्ट मुझे तो अभी तक ऐसा लगा मैंने किसी से सवाल पूछा तो उन्होंने बढ़ के मेरे को जवाब दिया। फॉलोअर्स का आप क्या कहेंगे, ये कब आ रही है वीडियो अरुणाचल की? अरुणाचल की वीडियो अभी ना 6 weeks के बाद आएगी, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र वाला सीरीज पाइपलाइन में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, बट आई एम श्योर सब लोग इंजॉय करेंगे। लास्ट टाइम तवांग का सीरीज हमने बहुत अप्रिशिएट किया था और इस बार मुझे पूरा यकीन है, इंस्टाग्राम में हमने रील्स बना के डाली, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं जगह कौन सी है बताओ तो सही। थैंक यू।